तो सोचो उसे पीते ही क्या सुरूर बैठेगा, क्या किक लगेगी। आप पीना चाहोगे? Hey boys and girls, welcome back to Jheka. अगर आप चैनल पे नए हो और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ साथ में प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस जो है वो आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले या रिव्यू की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा की तरह इस वीडियो के अंत में भी आपको मिलेगा एक दारू तथ्य। सो एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ में और हम रिव्यू करते हैं साथ में बकार्डी ब्लैक रम। तो इससे पहले बकार्डी की मैंने वाइट रम का रिव्यू किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। साथ साथ में लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलो बिफोर वी स्टार्ट लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन माय कलेक्शन टैग। जो मुझे कहना चाह रहा है बकार्डी ब्लैक रम ओरिजिनल बॉटल इन इंडिया एंड आई हैव परचेज दिस बॉटल इन सितंबर 2021। ऑलराइट, तो अब इस कलेक्शन टैग को मैं निकाल के साइड में रख लेता हूँ और हम थोड़ी सी बात करते हैं बकार्डी के बारे में। बकार्डी की शुरुआत हुई थी इन 1862 में सैंटियागो क्यूबा में। डॉन सुकेंडो बकार्डी ने इसकी शुरुआत की थी विद अ ड्रीम। और ये जो आप इनका मैस्कॉट देखते हैं या सिंबल देखते हैं या लोगो जो देख रहे हैं बैट का, चमगादड़ का, ये उनकी वाइफ ने उनको सजेस्ट किया था। इस ब्लेंड को तैयार किया जाता है काफ़ी सारी अलग अलग एज की जो रम है उन्हें चैरेड ओक बैरल्स में, और इसको जो फाइनल शेप दिया जाता है, फाइनल टच दिया जाता है, दैट इज़ अ सीक्रेट काइंड ऑफ ब्लेंड और आई वुड से यू नो प्रोसेस दैट इज़ चारकोल प्रोसेस जिसके थ्रू इसे फाइनल शेप दिया जाता है। अगर हम बात करें बकार्डी ब्लैक की तो ये इंडिया में लॉन्च हुई थी 2010 में। और इस बॉटल की अगर बात करें स्पेसिफिकली, दिस बॉटल इज 750 ml की बॉटल है जिसकी प्राइस है 620 रुपये इन मुंबई महाराष्ट्र और इसकी अल्कोहल स्ट्रेंथ है 42.8। तो चलो अब हम इसे करते हैं ओपन और पी के देखते हैं कितनी बढ़िया है ये रम। लेट्स ओपन। ओके, पोर की जाए। Let's start with nosing. और nosing से पहले कलर देख लेते हैं इसका। डार्क ब्राउन कलर है जैसे कि इसका नाम ही है ब्लैक, सो प्रिटी मच ब्लैक डार्क ब्राउन सा कलर है इस रम का। चलो नोज करते हैं अब इसे। मोलेसेस की जो प्रोमिनेंट सी स्मेल होती है या जो नोट्स होते हैं वो आ रहे हैं मुझे। ऑरेंज पील आई एम गेटिंग। यप, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। एंड अगर ऑन द नोज करूं तो काफी सटल है, नो हार्शनेस ऑन द नोज। सो नोट्स जो हैं वो ज्यादा अग्रेसिव नोट्स नहीं है इस रम के। नाउ विल टेस्ट। चीयर्स गाइस। रम यूजुअली जो है वो स्वीट होती है, ये रम इतनी ज़्यादा स्वीट नहीं है। जैसे ये ऑन द नोज काफ़ी यू नो अग्रेसिव नहीं थी, काफ़ी सटल थी, इसके नोट्स जो हैं वो काफ़ी सटल थे। सिमिलरली ऑन पैलेट ऑल्सो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है या हार्श नहीं कहूँगा मैं इस रम को। स्वीटनेस है लेकिन हल्की सी, बिट स्पाइसी। ओवरऑल इट्स ए गुड ब्लेंड फॉर मी। Let me take another small sip and see अगर और कुछ मुझे मिल रहा है। Mm-hmm.
आई वुड से गुड रम एंड नीट पी जा सकती है इस रम को. एज आई सेड किसी भी तरह की हार्शनेस नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, एंड ज़्यादा स्वीट भी नहीं है, ज़्यादा मीठी भी नहीं है. सो अभी हमने इसे नीट पी लिया है. वॉट विल डू इज विल एड सम कोल्ड ड्रिंक जो यूजुअली हम रम के साथ पीते हैं, लाइक थम्स अप और कोक, एंड देन विल सी कि ये कैसी लगती है. सो विल एड बिट ऑफ थम्स अप एंड सी कि ये जो रम है वो इसका टेस्ट जो है वो एनहेंस होता है या फिर बिगड़ जाता है. लेट्स सी. ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा थम्स अप ऐड करूँगा मैं. एंड नाउ विल टेस्ट इसके टेस्ट में कितना डिफरेंस आता है आफ्टर एडिंग थम्स अप. ऑलराइट, यू नो जब आप ओल्ड मॉन्क की बात करूंगा मैं, जैसे कि हम डार्क रम का रिव्यू कर रहे हैं और ओल्ड मॉन्क की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है. जब आप ओल्ड मॉन्क के अंदर कोल्ड ड्रिंक ऐड करते हैं और थोड़ा सा लेमन ऐड कर देते हैं, आई थिंक मैंने जब ओल्ड मॉन्क सुप्रीम का रिव्यू किया था तभी भी ये किया था, उसका टेस्ट जो है वो काफ़ी एनहेंस हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है. लेकिन अगर मैं बकार्डी ब्लैक रम की बात करूँ तो आई थिंक ये मुझे नीट ज़्यादा अच्छी लग रही थी. मैंने एक सिप लिया थम्स अप के साथ. लेट मी टेक अनदर स्मॉल सिप एंड सी. एक दवाई का जो टेस्ट होता है वैसा सा टेस्ट आ रहा है आफ्टर एडिंग थम्स अप. तो जो मेडिसिनल नोट्स होते हैं या जो फ्लेवर होते हैं वो काफ़ी जाग गए हैं इस रम में से थम्स अप ऐड करने के बाद, लेकिन नीट वैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था. सो फॉर मी आई थिंक आई वुड प्रेफर टेकिंग दिस रम नीट रादर देन यू नो एडिंग कोल्ड ड्रिंक टू इट. सो अब ये जो रिव्यू है वो होता है ख़त्म और हम बात करते हैं आज के दारू तथ्य की. तो आज रम का रिव्यू कर रहे हैं तो आपके लिए दारू तथ्य भी लाए हैं हम रम का ही. दुनिया की सबसे ज़्यादा एल्कोहल स्ट्रेंथ वाली जो रम है वो आती है कितने परसेंट के साथ, बताओ, गेस करो, कमेंट सेक्शन में लिखो कितने कितने परसेंट, व्हाट डू थिंक. दुनिया की सबसे ज़्यादा अल्कोहल स्ट्रेंथ वाली जो रम है वो आती है 84.5% ABV के साथ. तो सोचो उसे पीते ही क्या सुरूर बैठेगा, क्या किक लगेगी. आप पीना चाहोगे वो भी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में. ऑलराइट, सो या हियर वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. दिस वॉज जेस साइनिंग ऑफ फॉर द डे. चीयर्स.